नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गुरुवार को नई ड्रोन पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। इस पॉलिसी के मुताबिक ड्रोन उड़ाने को लेकर कई नियमों में बदलाव किया गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने ड्रोन उड़ाने को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें नए नियमों की जानकारी दी गई है। अब जो भी ड्रोन मालिक है उसे अपने ड्रोन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हालांकि ये प्रक्रिया काफी आसान है। आइए आपको बताते हैं कि ड्रोन नियम 2021 के तहत आने वाले नए नियम कौन से हैं। आपको बता दें कि भारी पेलोड ले जाने वाले ड्रोन और ड्रोन टैक्सियों को शामिल करने के लिए ड्रोन नियम 2021 के तहत ड्रोन का कवरेज 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दिया गया है। इसके अलावा फॉर्म अनुमति की संख्या 25 से घटाकर 5 कर दी गई है। किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंस के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस की जरूरत नहीं होगी। अनुमति के लिए फीस नाम मात्र के स्तर तक घटा दी गई है। ड्रोन नियम 2021 के तहत अधिकतम जुर्माना घटाकर 1,00,000 रुपए कर दिया गया है। हालांकि अन्य कानूनों के उल्लंघन पर लागू नहीं होगा। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर हरे, पीले और लाल रंग के इंटरैक्टिव हवाई क्षेत्र प्रदर्शित होंगे। इन प्लेटफॉर्म को बिजनेस के अनुकूल सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम के तहत डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा येलो जोन को एयरपोर्ट के दायरे में 45 किलोमीटर से कम करके अब 12 किलोमीटर तक कर दिया गया है। एयरपोर्ट के दायरे में 8 से 12 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र में ग्रीन जोन और 200 फीट तक के क्षेत्र में ड्रोन के संचालन के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। सभी ड्रोन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के जरिए होगा। ड्रोन के ट्रांसफर और डी रजिस्ट्रेशन के लिए आसान प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है। देश में मौजूदा ड्रोन को नियमित करने का आसान मौका दिया गया है। माइक्रो, नैनो और रिसर्च एंड डेवलपमेंट संगठन के ड्रोन को किसी भी तरह के पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। सेफ्टी फीचर्स जैसे कि नो परमिशन, नो टेक ऑफ, रियल टाइम ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग को इसमें जगह दी गई है। ये नोटिफाइड फीचर्स हैं और इन नियमों के लिए 6 महीने की समय सीमा तय की गई है। यानी 6 महीने के अंदर ड्रोन को इन नियमों के अनुकूल तैयार रहना होगा। इसके अलावा हर तरह की ड्रोन ट्रेनिंग और टेस्टिंग को अथोराइज्ड ड्रोन स्कूल की तरफ से ही पूरा किया जाएगा। अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं के लिए टाइप सर्टिफिकेट, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, अनुमति और रिमोट पायलट लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं होगी। ड्रोन का आयात DGFT की तरफ से रेगुलेट किया जाएगा। कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। ड्रोन प्रमोशन काउंसिल ले जाया जाएगा, जो बिजनेस फ्रेंडली नियमों को आगे बढ़ाएगी। आपको बता दें कि इस नई पॉलिसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए ड्रोन नियम स्टार्टअप और काम कर रहे हमारे युवाओं की काफी मदद करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि नए ड्रोन नियम इस क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप और हमारे युवाओं की मदद करेंगे। ये नवाचार और व्यापार के लिए नई संभावनाएं खोलेगा। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि ये भारत को ड्रोन हब बनाने के लिए नवाचार, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग में भारत की ताकत का लाभ उठाने में भी मदद करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।